हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ समीर एंड यू आर वाचिंग MSQ ब्लॉग। सो गाइस, हम लोग हैं PNS पे, मुमरा के अंदर मेन ब्रांच है जिस जो PNS का, वहाँ पर है। हमारे साथ है जैद भाई, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग अगेन आपको कैल्शियम्स वगैरह, मिल्को, ये जो सारी चीज़ें सामने हैं इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। और कुछ बुकिंग प्रोसेस भी वापस से हम लोग आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। तो जैद भाई, कहाँ से शुरू करें? ये जैसे फार्मिंग में बहुत ज्यादा रेयर कॉम्बिनेशन है। हाँ। मतलब डेली नीड्स में लगता है। तो कैल्शियम टॉनिक से स्टार्ट करते हैं अपन। ओके। ये जो है पीएच लेवल को मेंटेन करता है। ओके। आयोडीन वगैरह जो रहता है बॉडी लेवल में, तो उसको मेंटेन रखता है कैल्शियम टॉनिक, जिसको बोलते हैं। अच्छा। ये मॉर्निंग में जैसे बकरा स्टार्टअप जो करना है वो इसी से स्टार्ट करना है। डेली देना चाहिए? ये डेली देंगे तो भी चलेगा, लेकिन कोई कोई प्रिफर करता है कि, मैंने देखा है ज्यादातर 15 दिन 8 दिन ऐसे ही देते। कोई कोई आदत नहीं लगवाना चाहता है बकरों को, तो उसको फिर वो या तो अल्टरनेट डेज देता है या 15 डेज देके 15 डेज रुका देता है। ओके। तो वैसा भी दे सकते हैं, रेगुलर भी दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें विमिनरल वगैरह अलग से मिलाने की जरूरत नहीं, इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है। ओके। तो ये फायदा है इसमें, अलग से वो ऑस्ट्रोवेट करके वीरबैक का आता है, उसमें आपको मिलाना पड़ेगा, फिर उसको मिक्स करना पड़ेगा, फिर उसके बाद देना है। इसको डायरेक्टली पिला सकते हैं। सही है। 20 ml बड़े बकरे को और 10-15 ml छोटे बच्चे को और फीमेल को। सही। फिर उसी तरह ये लीवर टॉनिक है, ये जो है लीवर फंक्शन को मेंटेन रखता है बॉडी के अंदर का, और उसकी भूख बढ़ाता है। अच्छा। इम्यूनिटी बढ़ाता है उसकी, तो जिससे बकरे को ज्यादा भूख लगती है, ज्यादा अच्छे से दाना वगैरह उठाता है और उसको हजम करता है और फिर उसको वेट गेन होता है। तो ये बूस्टर। सही है। फिर उसके बाद आता है अपने 4 ब्लॉक्स जिसका अलग अलग ये रहता है यूजेस। इसमें अपने पास ब्लैक सॉल्ट है, ब्लैक सॉल्ट का काम है डाइजेशन कराना। सही। वो सिर्फ डाइजेशन कराता है। फिर दूसरा आता है जिंक सल्फाइड ब्लॉक बोलते हैं इसको। ये जो ब्लॉक है ये पेशाब का अगर कोई तकलीफ होती है, इन्फेक्शन रहता है बकरे के अंदर, तो उसको साफ करता है, साथ ही उसके में उसको हल्का सा चुनचुनाटपन आता है। अच्छा। इसमें जानवर अगर इनएक्टिव है, एक हफ्ते से कुछ खा रहा है नहीं है, थोड़ा बहुत खा रहा है और एक ही जगह बैठा है, सुस्त हो रहा है, तो उसका वो सुस्तपन हटाने के लिए हल्का चुनचुनाटपन इसमें देते हैं। ओके। दूसरा आता है अपना कैल्शियम ब्लॉक, इसमें तो आपको पता है मैंने कि कैल्शियम का ही काम करता है वो। ये PNS कैल्शियम जो बॉटल में है और वो जो हम लोग देख रहे हैं, दोनों सेम ही है? जी बराबर। ये जो है कैल्शियम टॉनिक फॉर्म, टॉनिक में है, लिक्विड आइटम है, और ये जो है ब्लॉक, लीक ब्लॉक से इसको, इसमें भी वाइमरल वगैरह ये सब मिक्स है इसके अंदर, सब दलावा रहता है। ओके। फिर आता है अपना ये मिनरल ब्लॉक है, ये पिंक वाला जो सॉल्ट है, इसके अंदर जो झाड़ के प्रोटीन, ये इसको प्रोटीन सॉल्ट भी बोलते है, जो अलग अलग देहात के लोग रहते है वो प्रोटीन सॉल्ट बोलते है। ये प्रोटीन सॉल्ट नहीं है, मैं बताना चाहूंगा, इसके अंदर झाड़ के अंदर के जो प्रोटीन रहते हैं वो अंदर दले हुए रहते हैं। झाड़ के अंदर प्रोटीन, फाइबर या आयरन, कैल्शियम, ये सब जो रहता है मात्रा में वो इसमें दला हुआ रहता है। ओके। तो ये वो चीज का काम करता है, जैसे बकरे को दिन में एक बार तो भी झाड़ का ग्रीन आइटम देना पड़ता है। तो अगर किसी जगह पे नहीं अवेलेबल है तो उसको ये ब्लॉक चटा सकते हैं। ओके। वो काम हो जाता है, कवर अप हो जाता है। फिर दूसरा आता है ये मिल्को प्रोडक्ट अपना। ओके। ये अक्सर जो प्रेग्नेंट फीमेल रहती है उसको दिया जाता है, ये उसमें दूध की मात्रा को बढ़ाती है। अच्छा। कोई बकरी अगर प्रेग्नेंट हो गई है और उसका बच्चा डिलीवरी हो गया, उसके बाद में ये प्रॉब्लम आती है कि बच्चे को दूध नहीं है, बकरी को दूध नहीं आ रहा है, उसकी वजह से बच्चा कमजोर हो रहा है। Okay. तो उसको ये पिला सकते हैं, ये प्री डिलीवरी भी पिला सकते हैं, जैसे प्रेग्नेंट हो गई है बकरी और डिलीवरी का टाइम बहुत नजदीक है, 1-2 महीना बाकी है, तो उसको पिलाना स्टार्ट कर सकते हैं। सही। फिर आता है अपना मिनरल मिक्सर जो डाइजेस्टिव पाउडर है, जैसे हिमालय 32 रुचि मैक्स वगैरह हो गया प्रोडक्ट, वैसे ये अपना खुद का ब्रांडिंग में बना हुआ है PNS मिनरल मिक्सर करके। सही है। ये डाइजेशन का काम करती है, ये पचाने का काम करती है। फिर आता है ये मिल्को, ये मिल्क पाउडर फॉर्म में है, ये भी पाउडर फॉर्म में है, ये बच्चों को जैसे दूध कम है, बच्चा कमजोर हो रहा है, दूध पी रहा है फिर भी, तो उसको ये पिला सकते हैं, ये कॉस्ट कटिंग करता है, अगर बकरा पलाई पे है तो उसको भी आप पिला सकते हैं। जैसे नॉर्मली दूध आप ले देंगे मार्केट से वो आता है 50-60 रुपए लीटर, बराबर ये आपको आएगा 35 रुपए लीटर में, इसमें एक एक बैग में कितना बनता है, 300 रुपए का
पूरा बैग आएगा ये 1 kg आएगा। अच्छा ये एक में कितना बनता है ये? एक में ये 1 kg का है पाउच, उसमें 10 लीटर दूध बनेगा। अच्छा हाँ। सही। और जिसको एकदम गाढ़ा पिलाने की आदत है, एकदम ज्यादा गाढ़ा, तो उसको 8 लीटर पिला सकते, 8 लीटर दूध बनेगा। वैसे नॉर्मली ये 10 लीटर बनता है, मतलब 35 रूपए ऑन एन एवरेज इसके दूध का कॉस्ट आएगा। अच्छा रिजल्ट भी है उसमें, वे प्रोटीन वगैरह सब डाला हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं उसके अंदर के कंटेंट, नेचुरल प्रोडक्ट है। ओके उसका कुछ साइड इफेक्ट नहीं है। सही है। एक बार अपना बुकिंग प्रोसेस फिर से बता दीजिए। प्रोसेस ऐसा है, आपका नाम, एड्रेस, पिन कोड नंबर हमारे को व्हाट्सएप कर सकते हो आप, दिए स्क्रीन पे नंबर पे। व्हाट्सएप करने पर हम लोग आपको जो आपका प्रोडक्ट चाहिए आपको उसका इंक्वायरी आप कर सकते हो, उसका प्राइस वगैरह बता के आपको कुरियर चार्ज के साथ में या ट्रांसपोर्ट से मंगाना है तो ट्रांसपोर्ट चार्ज के साथ में आपको बता देंगे। सही। बुकिंग प्रोसेस ऐसा है, आपका नाम, एड्रेस, पिन कोड आप हमारे को देने के बाद हम आपको उसका अकाउंट नंबर देंगे, कंपनी का अकाउंट में पेमेंट आने के बाद यहाँ से जियो मटेरियल डिस्पैच होता है। ठीक है। सो ये नंबर मैं स्क्रीन के ऊपर दे दूंगा और बुकिंग प्रोसेस इन्होंने बता ही दिया, उसी तरीके से आप बुकिंग करें, नंबर जो स्क्रीन पे दिया होगा उसके ऊपर। ठीक है। तो हम लोग हैं मुमरा के, मुंबई के मेन ब्रांच PNS पे। ठीक है। सो ये वीडियो क्लोज करते हैं जैद भाई, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।